तांबे का सिक्का। एक राजा का जन्मदिन था। जब सुबह वह घूमने निकला तो उसने तय किया कि वह रास्ते में मिलने वाले पहले व्यक्ति को पूरी तरह खुश व संतुष्ट करेगा। उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। तब राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दिया। भिखारी ने खुश होकर वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को चांदी का एक सिक्का दिया। भिखारी राजा की जय जयकार करता फिर से नाली में सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बहुत खराब लगा। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश व संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो तुम खुश और संतुष्ट हो। भिखारी बोला, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूँगा जब नाली में गिरा तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा। यही हाल हमारा भी है उस भिखारी के जैसा ही। हमें भगवान ने आध्यात्मिकता रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। परमात्मा को याद किए बिन कैसे बेड़ा होगा पार जी। श्वास हाथ से जा रहे हैं कीमत बेशुमार जी। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।